साहब, गुरु कैसर साहब, ये आपको आज वादिया का लाभ देना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल ये इंशाल्लाह पूरा म्यूजिक शहर बंद होगा। इंतजामिया को भी ये कहना चाहता हूँ, मीरपुर की इंतजामिया को, ये 45 दिन से हम इधर बैठे हैं, 12 साल पीछे गुजर गए, हमारे बच्चों का हक है। ये जेली कुंभा जात किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता। टीम इस वक्त मौजूद है न्यू सिटी में जेली कुंभा जात के जो मसाइल हुए, यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है, इसको तकरीबन 45 दिन से ज्यादा का सा बीत चुका है और यहाँ पे आज हमारे साथ ये मुतासरीन मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा जनाब सदर आजम राजा अब्दुल मजीद। जी साहब, मुझे ये बताएं आपके मसाइल क्या है, जरा आज हमें बताएं ताकि अरबाब इख्तियार तक हम आपकी आवाज़ बुझाने की कोशिश करेंगे। जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, जी जी आप टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने हर दौर में इन गरीब तबके पिछले लोगों की रहनुमाई। आज तकरीबन ये 12-13 साल हो गए जो ये हमारे लोग उस वक्त इन गदागरों ने, इन धोखेबाजों ने, इन फ्रॉडियों ने जो हमारे बच्चों के साथ फ्रॉड किया, हम आज तक दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तकरीबन 3700 कुंभा हमारे बच्चे शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी शादीशुदा हैं, फिर उनके आगे बच्चे हैं, ये 12 साल से आज तक हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसकी वजह कुछ तो हमारी कमजोरियां हैं, इन ठेकेदारों को हमने अपने सर पे बिठा रखा था अपने मफादात की खातर। राजा अब्दुल मजीद इसका एक पेट है, मैं सिर्फ अपने पेट के मगर चलता रहा, बाकी लोगों को काटता रहा। इधर 16,000 खानदान बचता है न्यू सिटी में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज 45 दिन हो गए हैं। राजा फरूक हैदर साहब, ये आपको आज वादिया पैगाम देना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल ये इंशाल्लाह पूरा मीरपुर शहर बंद होगा। इंतजामिया को भी ये कहना चाहता हूँ, मीरपुर के इंतजामिया को, ये 45 दिन से हम इधर बैठे हैं, 12 साल पीछे गुजर गए और 45 दिन अभी हुए और इंशाल्लाह कोई पता नहीं है कितने 45 दिन होंगे। ये हमारे बच्चों का हक है, ये जेली कुंभा जात किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं जब से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास कोई अरबाब इख्तियार या हुकूमत का कोई नुमाइंदा आके जिसने आपसे बात करने की कोशिश की है? नहीं जी, अभी तक नहीं आया। तो आप क्या कहते हैं, अगर आपके मुतालबात पूरे ना हुए तो आप शहर में मुकम्मल पहिया जाम करेंगे? पूरा मीरपुर शहर जाम करेंगे और इनको बताएंगे ये अपना कैसे लेते हैं, और इंशाल्लाह ये जो अभी इलेक्शन जो लड़ने वाले हैं इनको भी हम खबरदार करते हैं। आपकी इज्जत आपके हाथ में है, इसको जाया होने से बचाइए। पहले हमारे बच्चों का जेली कुंभा हल करें, उसके बाद वोट लेने का सोचें। जो भी आया वो अपनी इज्जत का खुद जमादार होगा। जो इधर का ठेकेदार है, लीडर है न्यू सिटी का, अगर उसने लीडरों को बुलाया तो यही लोग उसके घर जाएंगे उनका पीछा करने के लिए। मैं आपकी विसादत से, लाजवाल टीवी की विसादत से, मैं आज एक वाजिया पैगाम देना चाहता हूँ एतिहाद ग्रुप की तरफ से कि ऐसी गलती ना करना। हमारे बच्चों से आगे कोई नहीं है, हमारा जो वही होगा जो हमारे बच्चों का हमदर्द होगा, हम उसी को वोट देंगे जो ये जेली कुंभा जात हल करेगा। अच्छा, मुझे ये बताया कि जेली कुंभा जात का अपना मसला जो आपने बताया कि हल नहीं होता, तो आप इलेक्शन का बायकॉट करेंगे? इंशाल्लाह गेट आगे खंबे रखेंगे, ये गेट न्यू सिटी है जो है, नीचे नहीं आने देंगे, ना पोलिंग जंट इधर आएगा, ना संदूकड़ी आएगी, या ना इंतजामिया आएगी इधर। जुल्म सितम, हाय हाय, जुल्म सितम, हाय हाय, जाली कुंभा जात बंद करो, जाली कुंभा जात बंद करो। आखिर पे आप क्या पैगाम देंगे अरबाब इख्तियार को कि आपका मसला फिलफौर हल करें, या किस कोई भी इस हवाले से जो पैगाम जामिया देना चाहते हैं? पैगाम मैं देना चाहता हूँ, पहले तो राजा फरूक हैदर साहब वजीर आजाद कश्मीर को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ये 45 दिन का धरना हुआ है, आपको ख्याल करना चाहिए। आप आजाद कश्मीर के बाख्तियार वजीर आजम है, इसके साथ आपको शर्म आनी चाहिए। ये मजदूर तबका है,
इनका ख्याल रखा जाए, आपके हकूक में शामिल है। फिर मैं दूसरी बात, ये जितने लीडर हैं, चौधरी शहीद हो गया, चौधरी अशरफ साहब हो गए, ब्रिस्टल सुल्तान महमूद चौधरी साहब हो गए, जो भी इलेक्शन लड़ना है, इधर जेली कुंभे का मसला है, इसको इग्नोर ना करें। ये इलेक्शन में आपके गले की हड्डी साबित होगा और इंशाल्लाह पूरी दुनिया को भी दिखाएंगे कि ये जेली कुंभा जो हमारे बच्चों को हक है, 3700 कुंभ है, इंशाल्लाह इसको जाया नहीं जाने होने दे, नहीं जाने होने दे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारे अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, एक तो हम पोलिंग का बायकॉट करेंगे, पोलिंग यहाँ पे स्टेशन भी नहीं बने देंगे, पोलिंग जंग का भी उसका भी जो है ना बायकॉट करेंगे, कोई भी लीडर आया हम उसका भी पीछा करेंगे, उसको इधर नहीं आने देंगे। एक इसके अलावा इन्होंने कहा कि पहिया जाम भी होगा अगर फिर फौर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए। सबसे बड़ी डेड लाइन है कि इलेक्शन के अमल को हम रोकेंगे। कैमरा मैन निशान के साथ शाकिर चौधरी, लाजवाब न्यूज, मीरपुर। 45 दिन हो गए जैली कुंभा जात के लिए न्यू सिटी खत्म में नुक्कड़ चौक में हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह जो खास रूप है वो जैली कुंभा जात के मसले पे जो है ना वो साबित कदम रहेगा और इलेक्शन के दिन तक इधर बैठेगा। जब तक जैली कुंभा जात का मसला हल नहीं होगा, ना हम किसी सियासी पार्टी की बात करेंगे, ना हम किसी लीडर की कंप्लेन करेंगे, हम किसी को नोक पे भी नहीं रखते। हमें किसी सियासी जमात पे, किसी लीडर पे कोई फख्र नहीं है। अगर हमारे लोगों के 15 सालों से मसले नहीं हल हो रहे तो हमें किसी सियासी जमात पे कोई मान नहीं है, किसी लीडर पे कोई मान नहीं है, ना हम किसी के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने में फख्र महसूस करते हैं। हम फख्र उस दिन महसूस करेंगे जिस दिन हमारे लोगों के मसले हल होंगे, जिस दिन जैली कुंभा जात हल होगा। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी वडेरे का जो है ना दावते दें जी आए जी हम मीटिंग रखते हैं, हम ये करते हैं। सब चीजें उस वक्त होगी जब जैली कुंभा जात का मसला हल होगा। सबसे पहले जैली कुंभा जात, बाद में सारी सियासत। और जो बात है, देखें चाहे सुल्तान महमूद है, चौधरी शहीद है, या चौधरी अशरफ है, या कोई भी लीडर है, हम उसको शायद वोट में या इलेक्शन में उसको पेपर में जाके तो हम शिकस्त नहीं दे सकते। अगर हमने उन लोगों को शिकस्त देनी है, वो हमारा जैली कुंभा जात के मसले को संजीदा नहीं लेते, तो हम सब की ये ड्यूटी है कि जो हमारे गली मोहल्ले में उन जमातों का टोट है, हम उसको अपनी गली में शिकस्त दें। जब हम उन जमातों के टोटों को अपनी गलियों में, अपने सेक्टरों में शिकस्त देंगे, यकीन करें वो शहीद, वो सुल्तान महमूद या वो अशरफ, वो मीरपुर में भी उनको शिकस्त हो जाएगी। तो हमारी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो अपने इलाके में है, अपने सेक्टर में है, अपने न्यू सिटी में है, और हम इसी के लिए ही आगे बढ़ेंगे। देखें हमारे लिए हमारी पहचान हमारे लोग हैं, हमें ऐसी किसी भी लीडरशिप पे कोई फख्र नहीं है जिनको हमारे मसलों से कोई सरोकार नहीं है। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो इत्तेहाद ग्रुप का ये प्लेटफॉर्म है, ये बिलोस जो है ना इस मसले को आगे लेके चलेगा, और इलेक्शन तक इन सबके पास टाइम है। अगर इन लीडरों में मैं समझता हूँ इतनी गैरत होती तो ये एक दिन भी हमारे साथ इधर आके बैठते। ये किस बात के लीडर हैं जो हमारे इस दुख में, इस गम में हमारे साथ शरीक नहीं है। तो इंशाल्लाह हम साबित कदम रहेंगे। और जुल्म सितम, जुल्म सितम, जुल्म सितम, गुंडागर्दी, चोर बाजारी, नाअहल हुकूमत, नाअहल हुकूमत, जैली कुंभा, जैली कुंभा, जैली कुंभा। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि देखें इस इलेक्शन में हमारे पास 12 से 13 हजार का वोट है। न्यू सिटी में इतना बड़ा वोट बैंक, जो बंदा जनरल इलेक्शन विन करता है 16-17-18 हजार टोटल उसको वोट कास्ट होते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन में कंपटीशन बड़ा सख्त होता है। और अगर हम मीरपुर के 70% वोट को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा इलाका यतीम है, आज तक कोई हमारे इधर सरोकार नहीं है, किसी को कोई गर्ज नहीं है न्यू सिटी के मसलों से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन है हम सब के लिए इम्तहान है। और इन सब का योम है, हिसाब है, इन सब लीडरों का जो कड़पेंच बने हुए हैं उन सब को हमने पकड़ना है इस इलेक्शन में। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने लोगों को ये बात समझानी है कि हमारे लोग ये समझते हैं कि कोई वज़ीर आज़म आएगा तो जैली कुंभा जात का मसला हल होगा, कोई मिनिस्टर आएगा तो जैली कुंभा जात का मसला हल होगा, या कोई MLA या कमिश्नर या DC आएगा। देखें सीधी सी बात है, जैली कुंभा जात का मसला उस दिन हल होगा जिस दिन न्यू सिटी के लोग इस मसले के हल के लिए निकलेंगे। इस मसले को न्यू सिटी की आवाम, न्यू सिटी के लोग हल करेंगे, कोई लीडर या कोई जमात इस मसले को हल नहीं कर सकती। ये बात हमने न्यू सिटी के सब लोगों को समझानी है। और इंशाल्लाह इत्तेहाद ग्रुप
के साथ हम खड़े हैं। इतिहाद ग्रुप पूरे न्यू सिटी की पहचान है बिला तफरीक, और जो दो अप्रैल की कॉल है, मैं समझता हूँ कि हम सबको हर गली में हम लोग जाएंगे, पंपलेट तकसीम करेंगे, नौजवानों से मिलेंगे, हर औरतें खवातीन सारे हमारे माँ बाप बहन भाई हैं न्यू सिटी के, हम सब तक ये मसला लेके जाएंगे, सबको बताएंगे और समझाएंगे कि ये आखिरी मौका है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। ये जैली कुंभाजात के ये जो हमने कैंप लगाया है, अगर अब इसको हमने तकवीत ना बख्शी तो फिर ये मसला जो है ना सिर्फ जो नोटिफिकेशन और तहरीरों की हद तक रह जाएगा। इसलिए इस बार इसको संजीदा लें और ये समझ लें कि आखिरी चांस है हमारे पास, और इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक यहाँ पर खड़े करेंगे और रहेंगे, और सब्र और इस्तकामत के साथ हमने आगे चलना है और इस मसले को हल करवा के हम सुकून से बैठेंगे। सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सब लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जिम्मेदारी को लेंगे। वस्सलाम, शुक्रिया।